एक क्षण के लिए आंख बंद करिए और लास्ट वो सीन को लेकर आइए जब आपको गुस्सा आया था। बड़ा जायज लगा था उस दिन कि ये तो नेचुरल था, किया ही उन्होंने ऐसा। उस सीन को देखिए, बात क्या हुई थी, गलती क्या थी और आपने कैसे रिएक्ट किया था। उस सीन को अच्छे से देख लीजिए। अब उसी सीन को फिर से देखते हुए कि अगर ये सेम सीन कल फिर से आ जाए, कुछ भी ना बदले, बात बिल्कुल वैसी ही हो जैसे उस दिन थी, कुछ चेंज नहीं बाहर, और इसी सीन में अगर मुझे कल फिर से रिस्पॉन्ड करना है, क्या मेरे पास चॉइस है एक अलग तरह से उस सीन का सामना करने के? और अपने आप को करते हुए देखिए, एंड आई एम श्योर आप सबको एक बहुत प्यारा रिस्पॉन्स यह नजर आ रहा होगा कि आप शांत हैं, स्थिर हैं, उस बात को समझते हैं, सामने वाले को समझ रहे हैं और अब आप बहुत आराम से, प्यार से डिसिप्लिन भी कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर संयम नहीं खोया, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए फिर दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, बात बता रहे हैं। ऐसा दिखाई दिया ना, ये सभी को दिखाई दिया होगा और ये हमें एक प्रैक्टिकल प्रूफ देता है कि चाहे हम कितना भी कह लें उनकी वजह से, उसकी वजह से, बट वो सच नहीं है, क्योंकि अगर वो सच होता तो हमें ये सीन अभी ना दिखाई देता कि आई कुड रिस्पॉन्ड अनदर वे किसी भी सीन में। और ये हम सबके जीवन का अनुभव है, जीवन में कुछ सीन्स आते हैं, सीन चली जाती है, चाहे वो आज के दिन की सीन हो, चाहे वो एक साल पहले की सीन हो, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई कुड हैव डन इट अ बेटर वे, मैं इसको एक अलग तरह से हैंडल कर सकती थी, संभाल सकती थी, मैनेज कर सकती थी। कुछ बातों के लिए हम कहते हैं क्यों इतनी चिंता की उस समय, सब कुछ तो ठीक ही हो गया ना फाइनली। तो जब हम आगे चलकर पीछे की सीन्स को देखते हैं तब हमें लगता है कि हमारा रिएक्शन सही नहीं था, हमें रिस्पॉन्ड एक अलग तरह से करना चाहिए। दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि हमें पता है कि ये रिस्पॉन्स हम चूज कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं। सेम सीन में अगर दो चार लोग आते हैं, मतलब लोग हैं और सीन सबके सामने एक ही है, तो क्या हर एक जैसा रिस्पॉन्ड करता है? अपने परिवार में ही देख लीजिए, कभी कोई बात आ जाती है, परिवार का एक सदस्य कहता है इतनी बड़ी बात आ गई है, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? दूसरा कहता है हाँ बात तो थोड़ी बड़ी है। तीसरा कहता है इट्स ओके, छोटी सी बात है, इतना भी कुछ नहीं है इसमें। चौथा कहता है इसमें बात कौन सी है, ये तो जीवन की नॉर्मल बातें हैं, आती रहती हैं। तो किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए वो छोटी सी बात है और किसी के लिए तो वो कोई बात ही नहीं है। तो बात का साइज क्या होता है, क्योंकि हम सब बातों को एक साइज देते हैं, लेकिन बात का साइज क्या होता है? बात का तो कोई साइज ही नहीं होता। साइज कौन डिसाइड करता है? आंतरिक शक्ति, जो यहाँ शक्तिशाली होगा वो कहेगा इसमें क्या बात है, ये तो बहुत सहज क्रॉस हो जाएगी, और जो यहाँ थोड़ा सा कमजोर हो गया, क्या मान मान के कि बातें, बातों की वजह से बात, गुलामी की जीवन जो जी रहा होगा उसको वो बात बहुत बड़ी लगती है, और फिर वो बात बड़ी हो जाती है, उस पर हावी हो जाती है और हम उसके नीचे दब जाते हैं, पिस जाते हैं, घुट जाते हैं और फिर हम अंदर हताश, निराश, हेल्पलेस, होपलेस फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं बात ही इतनी बड़ी थी। लेकिन अगर बात का साइज होता तो वो हरेक को उतनी ही बड़ी दिखाई देती, अर्थात सिचुएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम द क्रिएटर। आज ये पहली इक्वेशन फिट कर लीजिए, इसको लाइफ की इक्वेशन कह दीजिए,
इसको जीवन का मंत्र कह दीजिए, लेकिन इसको आज पक्का कर लीजिए और इसको रोज दोहराइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदत बदलनी है, संस्कार चेंज करना है, यहाँ की कोडिंग चेंज करनी है। कहीं ना कहीं शायद किसलिए पिछले जन्म में, शायद बचपन में यहाँ एक कोडिंग हो गई है कि वट एवर आई फील इट्स बिकॉज ऑफ वट्स हैपनिंग आउटसाइड। मैं जो महसूस करती हूँ वो बातों की वजह से होता है। आज इक्वेशन को चेंज करते हैं, इस कोडिंग को चेंज करते हैं, इस इनर प्रोग्रामिंग को बदलते हैं। इक्वेशन क्या होगी? आई एम द क्रिएटर, ये बार बार दोहराना है। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड बिहेवियर। हर संकल्प, हर भावना, हर बोल और हर व्यवहार, ये मेरी रचना है, ये मेरी क्रिएशन है। आई एम द क्रिएटर, रचता मैं आत्मा हूं। अब जब एक बार इसको पक्का कर लिया, ये मत समझिएगा कि एक बार करने से ये हो जाएगा। इसको तो अपने आप को हर रोज याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि कई वर्षों की आदत बदलनी है ना, थोड़े दिन तो लगेंगे। तो हर रोज सुबह उठते ही इस लाइन को रिपीट करिएगा, दिन में कई बार रिपीट करिएगा, और रात को सोने से पहले तो जरूर कहिएगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड बिहेवियर। और फिर जब भी कोई बात आती है, अगर सपोज, क्योंकि अभी हम नया नया प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर सपोज आपको गुस्सा आ जाए, आपको कोई बात बुरी लग जाए, यहाँ दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, अगर ये हो भी रहा हो, कोई बात नहीं, अभी हम धीरे धीरे संस्कार को चेंज करेंगे। लेकिन अगर हो रहा हो, पहला चेंज, जो फर्स्ट चेंज हमें लाना है, इमोशनल डिपेंडेंसी से इमोशनल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होने के लिए जो पहला चेंज हमें लाना है, वो चेंज ये है कि जब वो बात आएगी और हम थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे, आज से हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे उसकी वजह से, उस बात की वजह से, उनकी वजह से मुझे ऐसा लगा। इस भाषा को बदलना है, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ कोडिंग है, इस लाइन को चेंज करना है। गलती से भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात आपको वो लगे उसमें भी नहीं, अपने रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं, लेकिन ये नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया, ये लाइन गलत है। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं उन्होंने गुस्सा दिलाया, हम अपनी शक्ति को घटा रहे हैं और हम फिर से उस बिलीफ सिस्टम को पक्का कर रहे हैं कि मैं तो उनके व्यवहार की गुलाम हूं। नहीं, ये हम कह सकते हैं उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरी लाइन क्या होगी? लेकिन वो जो गुस्सा था ना, वो मैंने क्रिएट किया। दिस इज पावर, वो मैंने क्रिएट किया। जैसे ही हम कहते हैं उन्होंने गुस्सा दिलाया, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अपसेट किया, वो बात ऐसी थी इसलिए मैं स्ट्रेस्ड हो गई, जैसे ही हम ये कहते हैं तो पावर कहाँ जा रही है? पावर बाहर चली जाती है। हम फिर से रीअफर्म करते हैं कि वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, न्यू इक्वेशन, बात ऐसी थी, व्यवहार ऐसे थे, लेकिन गुस्सा मैंने क्रिएट किया, इरिटेशन मैंने क्रिएट की, हर्ट मैंने क्रिएट किया। हम देखेंगे कैसे हम हर्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन क्रिएट मैंने किया। जैसे ही हम एक बार सिर्फ ये एक थॉट क्रिएट कर लेना, ये एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक संकल्प ही हमें गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ लेके जाएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो ये एक संकल्प क्रिएट करना, ये इमोशन मैंने क्रिएट की है, पुट द फिंगर हियर, ये मैंने क्रिएट की है। थॉट ना आ रहे हो, लिखते जाना, ये मैंने क्रिएट किया है। जैसे ही हम ये कहेंगे ये मैंने क्रिएट किया, हम पावरफुल हैं, हम पावरफुल हैं। भले हमने गलत रिएक्शन क्रिएट किया है, वो अनकंफर्टेबल है,
हमारी खुशी गायब हो गई, हमारी हेल्थ पर उसका असर आता है, कई बार तो हमारे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन उन सबको हम ठीक कर लेंगे, लेकिन उसको ठीक करने के लिए पहले यहाँ ठीक करना होगा। तो पावर, ये पावर क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को याद दिलाया, हाँ बात ठीक नहीं थी, लेकिन ये गुस्सा तो मैंने क्रिएट किया, ये हर्ट तो मैंने क्रिएट किया। तो ये हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मेरा रिएक्शन मेरी क्रिएशन है, मेरा रिएक्शन यहाँ यहाँ या व्यवहार में, ये मेरी क्रिएशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत बड़ी कोडिंग है जो यहाँ चेंज होनी है। तो आज से बस इतना सा करना, फर्स्ट स्टेप है, ये मेरी क्रिएशन है। किसी चीज के लिए भी नहीं कहना वाह, डोंट पुट द फिंगर आउट इवन हियर, बिकॉज व्हेन यू पुट द फिंगर आउट यू आर गिविंग योर पावर अवे। जैसे ही आप किसी पर इल्जाम रखते हैं या समझते हैं कि ये उसकी वजह से है, तो आप उन पर निर्भर हो गए हैं, आप उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे कि दुनिया के पास रिमोट कंट्रोल हो हमारे मन का, जब कोई बटन दबे वैसे ही इमोशन क्रिएट हो जाए। कोई आकर बहुत प्यारा सा शब्द कह दे, हम बड़े खुश हो जाएं, कोई अपने शब्द को बदल दे तो हम नाराज हो जाएं। तो मन का रिमोट कंट्रोल कहाँ चला गया? हमें ऐसा लगता है कि रिमोट कंट्रोल सबके पास है, और हमें तो ये भी लगता है कि सबके पास रिमोट कंट्रोल है, एक मेरे पास ही अपने मन का रिमोट कंट्रोल नहीं है। सच ये नहीं है, दिस इज नॉट रियलिटी। हम ऐसा फील करते हैं बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है, रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, यहाँ का कंट्रोल किसी और के पास नहीं है। तो आज से सिर्फ पहली थॉट चेंज, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट इक्वेशन, मैं क्रिएटर हूँ। और जब भी कोई रिएक्शन आए, सिर्फ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, ये रिएक्शन मैंने क्रिएट किया था। किसी को ब्लेम नहीं करना अपनी फीलिंग्स के लिए, और सेकेंड इक्वेशन, अपनी उस अनकंफर्टेबल नेगेटिव रिएक्शन को इंडोर्स नहीं करना। इंडोर्स करना अर्थात उसको सही नहीं कहना। सपोज कोई बात आ गई, हमने हर्ट क्रिएट किया, हमने गुस्सा क्रिएट किया, लेकिन हमें याद है हमने क्रिएट किया, फिर हम उसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमने कहा ये तो सही था, ये तो नेचुरल था, ऐसा तो करना ही चाहिए था, तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे, फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियर होना, क्या सही है क्या नहीं है। अनकंफर्टेबल इमोशंस को कभी सही नहीं कहना, जैसे किसी बीमारी को कभी नेचुरल नहीं कहते। कितने भी दर्द हो, कितनी भी बीमारी हो, हम हमेशा याद रखते ये बीमारी है, ये मेरी हेल्थ नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। इसी तरह कितना भी लगे कि बात ऐसी थी, कितना भी लगे कि ये रिएक्शन नॉर्मल था, आपको खुद को ये रिपीट करना है, ये रिएक्शन सही नहीं था। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये रिएक्शन सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? उन्होंने किया ही ऐसा तो मुझे भी तो बोलना चाहिए। हमारा रिएक्शन वो सही होता है, हमारा रिस्पॉन्स वो राइट होता है जो हमारी खुशी को बढ़ाता है, जो हमारी सेहत को बढ़ाता है, जो हमारे रिश्तों को प्यारा बनाता है, और जो हमारी सृष्टि को सुंदर बनाता है, वो ही रिस्पॉन्स सही होता है, वो ही रिस्पॉन्स सही होता है। तो अनकंफर्टेबल इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, चिंता, निंदा, क्रिटिसिज्म, शिकायत करते रहना, ये अनकंफर्टेबल इमोशंस खुशी को गायब करते हैं। ये अनकंफर्टेबल इमोशंस की वाइब्रेशंस हमारे शरीर को पहुंचती हैं, शरीर में बीमारियां होने लगती हैं। ये अनकंफर्टेबल इमोशंस लोगों तक पहुंचते हैं, रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, और ये अनकंफर्टेबल इमोशंस वातावरण में फैल जाते हैं, और सृष्टि सृष्टि की वाइब्रेशन बदल जाती है। तो किसी भी अनकंफर्टेबल इमोशन को आज से जस्टिफाई नहीं करना, उसको इंडोर्स नहीं करना, उसको सही नहीं कहना, दैट इज आवर सेकेंड स्टेप।
फर्स्ट स्टेप क्या था? आई एम द क्रिएटर, किसी को ब्लेम नहीं करना। सेकेंड स्टेप क्या है? किसी भी नेगेटिव रिएक्शन को, अनकंफर्टेबल रिएक्शन को सही नहीं कहना कि ये सही है, ये नेचुरल है। नहीं, ये मैंने क्रिएट किया और ये सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? इससे मेरी खुशी गायब हो गई, इससे मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इससे मेरे रिश्ते उलझ जाते हैं और इससे मेरी सृष्टि दूषित हो जाती है। ये सही नहीं था। बी वेरी क्लियर, कौन सी फीलिंग्स, कौन सी इमोशंस सही हैं और कौन सी एक डिजीज है, एक इमोशनल इलनेस है, एक इमोशनल बीमारी है। सो खुशी, प्यार, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, इन सब इमोशंस को सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, इन सब फीलिंग्स को राइट कहेंगे। और जब अनकंफर्टेबल वाली हैं तो हम अपने आप को बताएंगे, दिस वॉज रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे हम बच्चे को बताते, ये तो गलत था ना, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और हम धीरे धीरे बच्चे को सिखा देते हैं कि कैसे बोलना है, क्या व्यवहार करना है। जब हम बच्चे को सिखा सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, तो क्या हम अपने मन को नहीं सिखा सकते कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है? ये हमें अपने मन को सिखाना है।